Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna. अगर फ्रेंड्स आपके पास है वन प्लस का नॉर्ड 2T, इस फोन में करना है आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कैसे इस फोन में आप ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को चालू कर सकते हैं। कॉल रिकॉर्डिंग होते समय जो अनाउंसमेंट आता है, आप चाहते हो वो भी बंद करना, तो उसको भी बहुत आसानी से आप बंद कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो मैंने कुछ ऐसे स्टेप आपको बताए हैं जिन्हें फॉलो करेंगे तो उस अनाउंसमेंट को भी बहुत आसानी से आप बंद कर पाएंगे और ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को भी चालू कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट करते वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं आपको क्या करना होगा। जो फोन का प्ले स्टोर रहता है, सिंपली इसको आप ओपन कर लीजिए। कोई भी मैं थर्ड एप्लीकेशन ऐसा डाउनलोड नहीं कराऊंगा जिससे आप कॉल रिकॉर्डिंग करें, सिंपली जो आपका डायलर रहता है इसी से ही आप कॉल रिकॉर्डिंग को कर पाएंगे। तो सबसे पहले जाइए फ्रेंड्स अपने प्ले स्टोर के अंदर और यहां पे सर्च बार में सर्च कीजिए TTSLEXX, सिंपली आपको ये डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले से डाउनलोड करके रखा है ये वाला एप्लीकेशन, सिंपल आप भी इसको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद सिंपल यहाँ से आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो एप्लीकेशन डाउनलोड किया था उस पर क्लिक करके ओके कर दीजिए। अब आपको यहां से आ जाना होगा वापस, जो आपका डायलर रहता है इस पर टैप एंड होल्ड करके रखिए। यहाँ पे ऐप इन्फो देखने को मिलेगा, यहाँ क्लिक कर लीजिए, जिसके बाद इसका जो डाटा रहता है वो फ्रेंड्स आपको क्लियर करना पड़ेगा। इसके लिए आपको स्टोरेज यूजर्स देखने को मिलेगा, यहाँ क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करके क्लियर डेटा देखने को मिल ही जाता है, यहाँ क्लिक करके करेंगे इसको ओके और वापस आ जाएंगे। अब जब अपने डायलर को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे ऊपरी साइड 3 डॉट देखने को मिलती है, इन पर क्लिक करके जाएंगे सेटिंग में तो यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर देखने को मिल जाता है। इस फोन के अंदर आप दो तरह से ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को चालू कर सकते हैं, एक तो अननोन नंबर की ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग, मतलब जो फोन में नंबर सेव नहीं होंगे उनकी ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड हो जाएगी। उसको चालू करने के लिए यहाँ पे पहले क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखने को मिलेगा नंबर नॉट इन योर कॉन्टेक्ट, इस पर क्लिक करके ऑलवेज रिकॉर्ड पर क्लिक कर दीजिए तो सभी नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी जो कि सेव नहीं रहेंगे। अब सिलेक्टेड नंबर पर जाके आप उन नंबर को सेलेक्ट कर सकते हैं जिस किसी की भी आप कॉल रिकॉर्डिंग को करना चाहते हैं जो कि फोन में सेव है। तो यहां से पहले इस ऑप्शन को इनेबल करके ऑलवेज रिकॉर्ड पर क्लिक करना होता है, चूज एक कॉन्टेक्ट पर जाना होगा, एक एक करके इस तरह से आपको नंबर सेलेक्ट करने पड़ेंगे जिसकी भी आप कॉल रिकॉर्डिंग को करना चाहते हैं। फ्रेंड्स आप इन दो तरह से कॉल रिकॉर्डिंग को ऑटोमेटिक चालू भी करा सकते हैं, जो अनाउंसमेंट आता था वो भी मैंने आपको बताया कैसे बंद कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।